हेलो फ्रेंड्स आज अपन बात करेंगे यूपी के अंदर जो सी एच ओ की वैकेंसी आई है इस सी एच ओ की वैकेंसी के बारे में आज अपन इस वीडियो के अंदर बात करेंगे टोटल जो पोस्ट आई है वो है चार हजार पोस्ट हैं और यूपी के अंदर सबसे ज़्यादा जो सी एच ओ आज तक वैकेंसी आ चुकी है और जो कि साल के अंदर लगभग दो या तीन बार यहाँ पर वैकेंसी आती रहती है एक बार वैकेंसी आती है जिनके पास में सी सी एच एन का जो सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट एलिजिबल रहेगा और एक बार जो वैकेंसी आती है जिनके पास में जी एन एम और बी एस सी नर्सिंग जो कैंडिडेट है और सी सी एच एन का जो सर्टिफिकेट है वो नहीं है वो सभी कैंडिडेट यहाँ पर एलिजिबल होते हैं तो इस प्रकार की वैकेंसी टाइम टू टाइम साल में लगभग दो बार यूपी की जो एन एच एम है वो वैकेंसी निकालती रहती है यहाँ पर जो वैकेंसी है वो चार हज़ार कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसी है जो कि कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है और जिन कैंडिडेट के पास में सी का जो सर्टिफिकेट है वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेगा और साथ में जिन कैंडिडेट के पास में यूपी का रजिस्ट्रेशन है वो कैंडिडेट भी यहाँ भी एलिजिबल रहेगा तो दो प्रकार की यहाँ पर जो टर्म्स कंडीशन है जो कि इंपॉर्टेंट है जिसकी वजह से बहुत से कैंडिडेट इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल नहीं होंगे रिजर्वेशन है वो यूपी का जिनके पास डोमिसाइल है वो उन कैंडिडेट को यहाँ पर बेनिफिट मिलेगा और जो कैंडिडेट यूपी से बाहर का है उनको अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर यहाँ पर इंक्लूड किया जाएगा जो कैंडिडेट ओ बी या ई का क्लेम करना चाहते हैं उन कैंडिडेट को सर्टिफिकेट है वो एक चार दो से पुराना नहीं होना चाहिए और इसी डेट से के बीच बाद का जो सर्टिफिकेट अगर कोई लगाएगा और ये है ये डॉक्यूमेंट जो वेरिफिकेशन होगा उस टाइम पे आपके पास में होना चाहिए कैंडिडेट शुड अपलोड सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल कंसर्न इंस्टीट्यूट रिगार्डिंग इंटेग्रेटेड ऑफ मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर सीसीएसन कोर्स पोस्ट बी नर्सिंग एंड पोस्ट बी नर्सिंग तो इस वैकेंसी के अंदर जो जीएनएम जो कैंडिडेट हैं वो भी इस वैकेंसी में एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि उन कैंडिडेट के पास में जो सीसीएसएन का सर्टिफिकेट है वो नहीं रहेगा इन केस फीमेल कैंडिडेट है और वैलिड कास्ट सर्टिफिकेट है तो जो कास्ट सर्टिफिकेट जो इश्यू होगा वो फादर साइड का है वो वैलिड माना जाएगा अगर किसी के पास में फादर साइड का बना हुआ है या हस्बैंड साइड का नहीं है तो वो जो कार सर्टिफिकेट है वो भी इसके अंदर वैलिड माना जाएगा ओ बी सी कैंडिडेट ऑफ क्रिमिनल इज नोट एंटाइल फॉर रिजर्वेशन जो क्रिमिनल एयर के जो कैंडिडेट हैं उनको रिजर्वेशन का बेनिफिट है वो नहीं मिलेगा फीमेल डिपेंडेंट ऑफ फ्रीडम फाइटर एंड एक्स सर्विसमैन रिजर्वेशन कोटा एप्लीकेबल ऑन द उत्तर प्रदेश सेल ओनली अब एक्टिविटी की बात करें तो इसमें दो बारह से फॉरम स्टार्ट होगा तेरह बारह तक इसमें फॉरम है वो लास्ट डेट इसकी रहेगी बाकी सारी प्रोसेस है वही रहेगी और कैंडिडेट के पास में अगर पाँच परसेंट दस परसेंट और पंद्रह परसेंट का बेनिफिट दिया जा रहा है अगर किसी कैंडिडेट ने कोविड टाइम पे काम किया था तो उन कैंडिडेट को क्यूआर आर का एक एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो बनवाना है और क्यू आर बेस का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर आप बनवा लेते हो तो आपको ये जो एक्स जो बोनस है वो यहाँ पर मिल जाएंगे कैंडिडेट है उनको अपलोड करना है कोविड एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द कंसर्न डिस्ट्रिक्ट ऑन द प्रिस्क्राइब फॉर्मेट सच एज मैनेज द जनरेटेड थ्रू द पोर्टल बाय द डिपार्टमेंट ये जो एक्सपीरियंस है ये प्राइवेट हॉस्पिटल का वैलिड नहीं होगा ये गवर्नमेंट ऑथोराइज जो एजेंसी के थ्रू अगर किसी ने गवर्नमेंट में काम किया था छः एक और डेढ़ साल तक उन कैंडिडेट के लिए यहाँ पर बेनिफिट दिया जाएगा तो उन कैंडिडेट को क्यू आर बेस का जो सर्टिफिकेट है वो बनवाना रहेगा और विदाउट क्यू आर बेस का सर्टिफिकेट यहाँ पर वैलिड नहीं रहेगा एलिजिबिलिटी क्या है इसके अंदर कैंडिडेट है उसको पा, उसके पास में बी एस सी नर्सिंग के साथ में इंटीग्रेटेड क्या होना चाहिए सी सी एस एन का सर्टिफिकेट हो या फिर पोस्ट बी एस सी के लास्ट ईयर में जो मिलता है सी सी एस एन का सर्टिफिकेट वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे और अकेडेमिक ईयर है दो हज़ार बीस है उसके बाद में जिन जो भी कैंडिडेट पास आउट हुआ है उन सभी कैंडिडेट के पास में यहाँ पर सी सी एस एन का सर्टिफिकेट रहेगा फॉर क्लैरफिकेशन एकेडमिक ईयर रेफर्स टू इंटीग्रेटेड मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइड दैट इज द स्टूडेंट हुआ है वो अंडर गोर द फोर्थ ईयर बी एस सी नर्सिंग एंड सेकेंड ईयर द पोस्ट बी एस सी नर्सिंग इन द ईयर ऑफ दो हज़ार उन्नीस बीस जिस कैंडिडेट के पास में उन्नीस बीस का बैच था और उनके पास में जो सीसीएसन का जो सर्टिफिकेट अगर है वो कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेगा एज लिमिट की बात करें तो पैंतीस साल मैक्सिमम इसमें एज लिमिट मानी गई है कैंडिडेट का रजिस्ट्रेशन है वो यूपी नर्सिंग मेडिकल काउंसिल का होना चाहिए इनकेस रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज नॉट एपलिजिबल कैंडिडेट हैज टू नेक्स्ट कॉपी ऑफ द रजिस्ट्रेशन स्लिप सेल्फ अटेस्टेड विद द एप्लीकेशन फॉर्म इन केस ऑफ अपलोडिंग रजिस्ट्रेशन स्लिप कैंडिडेट सेल सबमिट द रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट विद इन थ्री मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इश्योरेंस अपॉइंटमेंट लेटर द द अपॉइंटमेंट ऑफ़ कैंडिडेट इज सब्जेक्ट रिजर्वेशन विद यूपी पी एंड मेडिकल काउंसिल इन केस ही इजल गाइन इज अपमेंट स्टैंडली कैंसल अगर किसी कैंडिडेट के पास में यूपी का रजिस्ट्रेशन नहीं है और वो कैंडिडेट यूपी काउंसिल में जाके और या फिर ऑनलाइन मोड से रजिस्ट्रेशन चेंज करवाता है तो चेंज करवाते टाइम उसको एक स्लिप मिलती है उस स्लिप से भी वो फॉर्म अप्लाई कर सकता है अगर फॉर्म अप्लाई करता है उस स्लिप से तो उसको तीन महीने का यहाँ पर टाइम दिया जा रहा है तो अगर कोई कैंडिडेट है और इसमें फॉर्म अप्लाई करना चाहता है तो वो ऑनलाइन है यूपी नर्सिंग काउंसिल पे जाके और अपनी जो फीस है सबमिट करके सारे डॉक्यूमेंट अटैच करके और रजिस्ट्रेशन चेंज करवा सकता है और रजिस्ट्रेशन चेंज करवाते टाइम में उसको जो स्लिप मिलेगी उस स्लिप से वो फॉर्म है वो भर सकता है लेकिन उसको ज्वाइनिंग के बाद में तीन महीने के अंदर अंदर है ये जो सर्टिफिकेट है वो जमा करवाना रहेगा ओरिजिनल सर्टिफिकेट सैलरी की बात करें तो इसमें बीस हजार पाँच सौ सैलरी मिलेगी पंद्रह हज़ार इसमें इंसेंटिव मिलेगा पीबीआई ये और श्योरिटी बॉन्ड है वो ढाई लाख रुपए का श्योरटी बॉन्ड है वो उसको सौ रुपये के स्टाम्प पेपर के ऊपर यहाँ पर जमा करवाना रहेगा इंस्ट्रक्शन की बात करें इसके अंदर तो ऑनलाइन एप्लीकेशन आपको भरना है ऑफलाइन मोड है वो एक्सेप्ट नहीं होगा सिलेक्शन प्रोसेस है सिलेक्शन रहेगा इसके अंदर जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल रहेंगे उनका एक मेरिट निकलेगा और मेरिट के बाद में उन कैंडिडेट का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस करवाया जाएगा अपर एज लिमिट के बाद में अगर कोई कैंडिडेट है रिजर्व कैटेगरी में आ रहा है तो उन कैंडिडेट को यहां पर रिजर्व कैटेगरी का बेनिफिट है वो दिया जाएगा एप्लीकेशन फीस की बात करें तो इसमें किसी प्रकार की कोई एप्लीकेशन फीस नहीं है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है डॉक्यूमेंट अपलोड की अगर बात करें तो सेपरेट लिंक अपलोडिंग की फोटोग्राफ है सिग्नेचर पासिंग सर्टिफिकेट है मार्कशीट हाई स्कूल फॉर द एज प्रूफ फर्स्ट ईयर टू फाइनल ईयर मार्कशीट ऑफ बी एस सी और पोस्ट बी एस सरसिंग सर्टिफिकेट फ्रॉम द प्रिंसिपल कंसर्न इंस्टीट्यूट द सी सी एस एन का जो सर्टिफिकेट है उसके लिए है सर्टिफिकेट इशूड बाय द कंसर्न यूनिवर्सिटी रिगार्डिंग द मिड लेवल हेल्थ केयर प्रोवाइडर यूनिवर्सिटी के द्वारा और जो आपके जो कॉलेज का प्रिंसिपल है उनके द्वारा दोनों के द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया गया है दोनों सर्टिफिकेट इसके अंदर आपको पेस्ट करने जिसके लिए अनसर थर्ड दिया हुआ है जो प्रिंसिपल का जो सर्टिफिकेट का फॉर्मेट रहेगा उसके लिए क्यू आर बेस्ड कोविड एक्सपीरियंस अगर कोई इसके अंदर एलिजिबल आता है तो वो इसमें लगा सकता है वैलिड कैटेगरी सर्टिफिकेट अगर किसी को कैटेगरी का रिजर्वेशन लेना है तो वो आधार कार्ड जिसको अगर आधार कार्ड का बेनिफिट आधार कार्ड जो कि आपका आइडेंटिटी प्रूफ शो करेगा उसके लिए आपको यहाँ पर लगाना रहेगा नर्सिंग रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अगर आपके पास में रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है तो वो या फिर आपके पास स्लिप है तो स्लिप से आप यहाँ पर फॉर्म में अप्लाई कर सकते हैं जो उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़े वर्ग के जो जाति प्रमाण पत्र है उसका फॉर्मेट यहाँ पर दिया हुआ है इस फॉर्मेट पे आपको आपका जो जाति प्रमाण पत्र है वो लगाना है ईडब्ल्यू के लिए ये फॉर्मेट रहेगा और यहाँ पर जो सी सी एच एन का जो सर्टिफिकेट रहेगा उसके लिए ये फॉर्मेट रहेगा कॉलेज के लेटर हेड के ऊपर आपको ये बनवाना है प्रिंसिपल जो दिया हुआ है वो कॉलेज के लेटर हेड पे करवाने के बाद में यहाँ प्रिंसिपल का नेम सिग्नेचर और सील यहाँ पर आ जाएगी यहाँ पर अब आ गई टोटल सिक्सटी सिक्स डिस्ट्रिक्ट है जिनके अंदर ये वैकेंसी चार हजार पोस्ट आई हुई है कुछ एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर यहाँ पर नहीं आई है फोर्टी सिक्सटी फोर जो डिस्ट्रिक्ट है उनके लिए चार हजार पोस्ट आई हुई है बस यही था इस वीडियो के अंदर आई होप कि आपको यह वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि वहां पर सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन वो दी जाती है लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा धन्यवाद